बुढ़ापे का सहारा कौन, बेटा या बेटी? हम सभी लोग मेन हॉल में बैठी बैठी चर्चाएं कर रहे थे, तभी मेरी बहन ने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि भैया यह बताओ, आदमी के बुढ़ापे का सहारा उसकी बेटी होती है या उसका बेटा? मैंने कहा, बहन यह प्रश्न ना करो तो ही अच्छा है, क्योंकि इससे कोई तो खुश होगा, किसी को दुख होगा। तो अन्य सभी लोग जिद करने लगे, नहीं नहीं यह बात तो बतानी ही पड़ेगी, वही भी विस्तार से। मैंने कहा, तो फिर सुनो, बुढ़ापे का सहारा बेटा या बेटी नहीं, बहू होती है। जैसा कि लोगों से अक्सर सुनते आए हैं कि बेटा या बेटी बुढ़ापे की लाठी होती है, इसलिए लोग अपने जीवन में एक बेटा या एवं बेटी की कामना जरूर रखते हैं, ताकि बुढ़ापा अच्छे से कटे। ये बात सच भी है, क्योंकि बेटा ही घर में बहू लाता है। बहू के आ जाने के बाद एक बेटा अपनी लगभग सारी जिम्मेदारी अपनी पत्नी के कंधे पर डाल देता है, और फिर बहू बन जाती है अपने बूढ़े सास ससुर की बुढ़ापे की लाठी। जी हाँ, मेरा तो यही मानना है, वो बहू ही होती है जिसके सहारे बूढ़े सास ससुर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करते हैं। एक बहू को अपने सास ससुर की पूरी दिनचर्या मालूम होती है, कौन कब और कैसे चाय पीते हैं, क्या खाना बनाना है, शाम में नाश्ते में क्या देना, रात को हर हाल में 9 बजे से पहले खाना बनाना है। अगर सास ससुर बीमार पड़ जाएं, तो पूरे मन या बेमन से बहू ही देखभाल करती है। अगर एक दिन के लिए बहू बीमार पड़ जाए या फिर कहीं चली जाए, तो पूरे घर की धुरी हिल जाती है। परंतु यदि बेटा 15 दिवस की यात्रा पर भी चला जाए, तो भी बहू के भरोसे घर सुचारू रूप से चलता रहता है। बिना बहू के सास ससुर को ऐसा लगता है जैसा उनकी लाठी ही किसी ने छीन ली हो। वे चाय नाश्ता से लेकर खाना के लिए झटपटा जाएंगे, कोई और पूछने वाला उनके पास नहीं होता, क्योंकि बेटे के पास समय नहीं है। और अगर बेटे को समय मिल जाए, तो भी वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है कि माँ बाबूजी को सुबह से रात तक क्या क्या देना है, क्योंकि बेटे के चंद सवाल हैं और उसकी जिम्मेदारियाँ खत्म। जैसे माँ बाबूजी ने खाना खा लिया, चाय पी ली, नाश्ता कर लिया, लेकिन कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वे क्या खाते हैं, कैसी चाय पीते हैं। ये लगभग सभी घरों की कहानी है। मैंने तो अधिकतर ऐसी बहुएं देखी हैं जो अपनी सास की बीमारी में तन मन से सेवा करती हैं। इसलिए मेरा मानना है कि बहू ही होती है बुढ़ापे की असली लाठी। लेकिन एक बात और सच है कि आप में भी अक्ल होनी चाहिए कि हर वक्त मेरा राजा बेटा मेरी रानी बेटी की रट छोड़ मेरी अच्छी बहू रानी की भी रट लगानी चाहिए। अतः अपनी बहू में सिर्फ कमियां ना ढूंढें, उसकी अच्छाइयों की भी कदर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।